इसके अलावा सारे भी छुपी हुई प्रतिभा गॉड ब्लेस यू, हाथ मिलाओ, सब ठीक है, हैं? गुड आफ्टरनून, हेलो, हैं? वो तो ठीक है, तो क्या है मैं ठीक हूँ, तो चौदह तक चलेगा, मात्र 10 दिनों का मेला हिमाचल प्रदान कर रहा है, हिमाचल प्रदान कर रहा है इस तरीके के इवेंट दिव्य हिमाचल। हम सभी बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं आज के इस यशपाली जी, बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हम सभी के बीच में मौजूद। Last call for all the participants of music championship. Musical competition शुरू होने जा रहा है, उसके ही 15-20 मिनट में हम लोग ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये बच्चे हैं, ये बच्चे बिलोंग करते हैं इसके फ्रॉम रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की बदौलत 3rd प्राइज इस बच्ची को गया है। अभिनंदन, स्वागत। इट्स फ्रॉम रेनबो इंटरनेशनल, हमारा साथ दिया। बताऊं कि इन्होंने आज अपनी व्यस्ततम कार्यक्रम से हमें ये अवसर दिया है कि
नगरोटा बगमा में पहली बार ऑटो कम ट्रेड फेयर का आयोजन कर पाए। ये नगरोटा आज जिस बुलंदियों पे है, ये उसी की एक निशानी है कि वहाँ हम अपने अभियान इन ट्रेड फेयर्स के माध्यम से हमारी जो इवेंट टीम है उसने यहाँ का चयन किया है। और ये बड़े फख्र की बात है कि हिमाचल में इनोवेटिव राजनीतिज्ञ नेताओं की कमी है। और मैं जब यहाँ विश्लेषण करता हूँ मीडिया के रूप में, तो बाली जी मुझे काफ़ी आगे दिखाई देते हैं कि पिछली टर्म में जब हिमाचल की परिवहन सेवाओं, जिनको बहुत कमज़ोर माना जाता था, इन्होंने वोल्वो बसेस और दूसरी बसेस लाकर यहाँ एक क्रांतिकारी कदम किया, और जिसकी बदौलत न केवल परिवहन बल्कि पर्यटन को भी मजबूती मिली। 17 साल से हिमाचल के लिए पहले अखबार के रूप में जब यहाँ आए तो देखा कि यहाँ की जनता शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, समस्त क्षेत्रों में बहुत आगे है, लेकिन यहाँ की प्रतिभा, यहाँ के व्यापार, यहाँ के दूसरे जो इवेंट्स हैं उनमें हमें अवसर नहीं मिलता है। इसी श्रृंखला को हमने सर्वप्रथम मिस हिमाचल प्रतियोगिता, जो कि फेमिना मिस इंडिया के साथ एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता है जो कि नॉर्थ इंडिया में या सारे देश में हो रही है, और यहाँ की बच्चियाँ सीधे मुंबई में इसके सेमीफाइनल में प्रवेश करती हैं। अभी इसी साल हमने अभी अभी जो शिमला में ऑडिशन किया खास तौर पे मिस फेमिना के साथ, उसमें हमारी चार बच्चियाँ अभी तक हिमाचल की मुंबई पहुँच चुकी हैं, और ये कारवां जब अगले कुछ दिनों बाद इसका ग्रैंड फिनाले टांडा ऑडिटोरियम में होगा, तो कुछ 7-8 और बच्चियां पूरे देश के सामने हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। ये जो विभिन्न व्यापार मंडल हैं, इनकी बहुत सारी मांगें पिछले काफ़ी दिनों से सामने आती रही हैं, और जिनमें से बहुत जो हैं वो काबिल तारीफ़ है, और उनको स्वीकार करके सरकार अगर इनको प्रश्रय दे तो निसंदेह व्यापारी जो हैं, एक छोटा दुकानदार भी जो है वो कम से कम 4 लोगों को रोज़गार देता है, नगरोटा का बाजार ही होगा तो यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता होगा, इसके अलावा यहाँ ढाबे चलते होंगे। दिव्य हिमाचल परिवार को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने नगरोटा जैसे छोटे शहर में भी एक बड़ी प्रदर्शनी लगा करके नगरोटा वासियों को अपनी चॉइस का प्रोडक्ट खरीदने का एक मौका दिया है। उसके लिए इन्होंने, हम भी करते हैं छोटे पैमाने पे यहाँ मिस नगरोटा, और इसलिए करते हैं कि बच्चों को गाने का, बच्चों को एक उत्साह मिले, एक्सपोजर मिले। और ये हम विधानसभा तक सीमित रखते हैं, हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं, ये लोग कई जगह उसको करके फाइनल शेप देते हैं। ऐसे ही सोशल कंट्रीब्यूशन, कई लोगों का व्यापार बढ़े, लोगों की सोच प्रगति की तरफ चले। हम 21वीं सदी में अब ये सोच बदल देना चाहिए। सत्यमेव जयते, सदा सच्चाई की जीत होती है। और लोग जो झूठ बोलते हैं उनको अंततः मुंह की खाना पड़ती है, झूठ चलता नहीं। अब व्यापारियों को ये कहना, जी आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई 2-4 दिन के मेले में क्या खत्म हो जाना, बिजनेस वैरायटी और आगे एक कंपटीशन, एक चांस मिलेगा कि आप डिसाइड कर सकते हो। आज का जो खरीदार है वो बड़ा समझदार है, बहुत समझदार है। वो अपना ठोक बजा करके देखता है कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या इसकी कीमत ठीक है।
जो प्रोजेक्ट हैं अभी पेंडिंग है, क्योंकि हम जमीन जो है हमारे पास आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही, जमीन नहीं मिल रही। जैसे कि ड्राइविंग कॉलेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ड्राइविंग कॉलेज ये नहीं है कि इस गाड़ी लेकर के सिखाओ की भूमि पर होगा, कि आने वाले समय में आप लोगों को एक बड़ा काम जो है यहाँ देखने को मिलेगा। मेरा चार्ज जो होगा वो बिना एविडेंस के नहीं होगा, और सारे एविडेंस लगा के हमने चार्जशीट में राष्ट्रपति महोदय को दिए, आज उस पर इंक्वायरियां भी चल रही है। और दूसरा काम मुझे यह दिया गया कि मैं मैनिफेस्टो, अनिल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बढ़िया शैली में लिखते हैं, निडर हैं और अच्छा काम करते हैं और लोकल है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, और ये जो दिव्य हिमाचल का इस प्रोग्राम में ऑटो फेयर लगा के दूसरे लोगों को यहाँ लाके एक जो प्लेटफॉर्म दिया है, मैं दिव्य हिमाचल को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, उसकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे मेरे भाई बेदी जी और उनके साथ के मुझे जैसे चूचा भंडारी जी, मनीष जी, अरुण जी, ये मेरे साथी यहाँ पे बड़ी बखूबी इस कार्यक्रम को आगे फिनिश तक लेके जा रहे हैं। मैं आप लोगों को और आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने भी उसी गर्मजोशी के साथ दिव्य हिमाचल के इस कार्यक्रम में साथ दिया,
हमारे नगरोटा में ये एक तरह की एग्जाम्पल है इस तरह का ट्रेड शो करना। लोगों को काफी कुछ नॉलेज मिला होगा, काफी कुछ उन्होंने देखा होगा और खरीदा भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ ग्रेट स्टेप बाय दिव्या हिमाचल, ग्रेट थॉट। और जो पब्लिक इन्होंने अवेयरनेस लाई है उसके लिए मैं दिव्या ग्रुप को एक बार मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। चक्षुपुरी जी सरपलियां दे हिमाचल परिवार की तरफ से आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं। वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये बच्ची अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही है और